ब्रॉट टू यू बाय ZX कॉफ सिरप। एक्सेड नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। उत्तर प्रदेश बीजेपी में इन दिनों नाराजगी संकेतों के जरिए भी जाहिर की जा रही। नेताओं की मुलाकातें बहुत कुछ कह रही हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के बीच किस तरीके की सियासी रशाकसी चल रही है। ओम प्रकाश राजभर और केशव मौर्य की मुलाकात से क्या निकला, हम बताएंगे। ओम प्रकाश राजभर ने केशव मौर्य के साथ हुए अपने मुलाकात पर क्या कहा है और क्या सफाई दी है, यह भी हम आपको बताएंगे। आरक्षण को लेकर जो सवाल केशव मौर्य की लीक हुई चिट्ठी से उपजे हैं, उस पर क्या कहा है ओम प्रकाश राजभर ने, और आखिर में कहां लगे हैं सरतन से जुदा के नारे और उसमें कार्रवाई क्या हो रही है। यह तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी। इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। केशव मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच का जो शीत युद्ध है, अब ये खुलकर सामने है। केशव मौर्य की लिखी हुई नियुक्ति विभाग को चिट्ठी सार्वजनिक हो चुकी है, वायरल है और अब उस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त नेताओं की मुलाकातें भी बहुत कुछ बयां कर रही हैं। जी हां, बीती शाम केशव मौर्य से ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात और उस राजभर ओम प्रकाश राजभर और केशव मौर्य की मुलाकात की तस्वीरें खूब वायरल हुई और उसके बाद चर्चा ये होने लगी कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पूर्वांचल के दौरे पर हैं, जब उन्होंने बड़ी मीटिंग आजमगढ़ में उस मंडल की बुलाई है, तो ओम प्रकाश राजभर वहां क्यों नहीं गए, और जब वहां नहीं गए तो आखिर इस मुलाकात के जरिए उन्होंने कौन सा मैसेज देने की कोशिश की है। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को वाराणसी और आजमगढ़ के दौरे पे थे, जहां पे उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और उस इलाके के सभी जनप्रतिनिधि मंत्री विधायक बुलाए गए थे। लेकिन वहां पर ओम प्रकाश राजभर नहीं पहुंचे, लेकिन शाम होते होते उनकी तस्वीर केशव मौर्य के साथ सामने आ गई और जिसके बाद से चर्चा शुरू हो गई कि जाना था ओम प्रकाश राजभर को मुख्यमंत्री के उस मीटिंग में शामिल होना था, लेकिन वो वहां नहीं गए और यहां केशव मौर्य के साथ उनकी मुलाकात। दरअसल संकेतों में बहुत कुछ चल रहा है और जब इस पर सियासी तौर पर हंगामा मचा कि आखिर ऐसा क्या हो गया, तो आज ओम प्रकाश राजभर की सफाई आई। उन्होंने क्या सफाई दी है, पहले आप सुन लीजिए। उन्होंने ये कहा कि इस बारे में उन्होंने योगी जी को बताया था कि उन्होंने अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है, उनका आना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में योगी जी ने उन्हें कहा कि ठीक है, आप वहां की मीटिंग संभालिए, मैं यहां देख लेता हूं। इस वजह से ओम प्रकाश राजभर नहीं गए, लेकिन जब नहीं गए तो शाम को केशव मौर्य से मुलाकात की जो तस्वीर आई, उसके मायने क्या। पहले सुनिए ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं। कल आप जो है योगी जी की समीक्षा बैठक में नहीं थे, बड़ी चर्चा है कि केशव जी से आप मिल रहे हैं आजकल। नहीं, देखिए, कल मैं उत्तर प्रदेश के 75 जिले के जिला पंचायत अध्यक्षों को बुलाया था और मैं पंचायती राज मंत्री और वो हाल बुक हो गया था और सबको सूचना चली गई थी और यहाँ की मीटिंग की सूचना हमको तब मिली जब सारी प्रक्रिया पूरी हो गई थी। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को मैसेज दिया कि ये स्थिति है, जैसा आपका निर्देश हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जरूरी है, वहाँ हम देख लेंगे, आप यहाँ देख लीजिए। अब उसको अब दूसरे वे पर कोई कुछ कहे तो हम क्या कर सकते हैं। दरअसल इस बात को प्रचारित करने की एक कोशिश हुई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नाराज सिर्फ विधायक ही कुछ नहीं है, बल्कि सहयोगी दलों में भी एक नाराजगी है और ये सब तस्वीरें उसी को बयां करती है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मेरी केशव मौर्य डिप्टी सीएम से मुलाकात में कुछ भी अनयूजुअल नहीं है और उसके पहले उनकी भी कई मुलाकात हुई कई नेताओं से और मेरी भी कई नेताओं से मुलाकात हुई,
इसलिए इसके बीच में बिटवीन द लाइंस कुछ पढ़ा नहीं जाना चाहिए। ये भी सुनिए क्या कहा है ओम प्रकाश राजभर। अब मिलने के सवाल पे जी तो मैं तो परसों स्वतंत्र देव पटेल जी से भी मिला, दयाशंकर भाई से भी मिला, ब्रिजेश पाठक जी से भी मिला और कल रात को भाई केशव मौर्य जी से भी मिला। हम सबसे मिलते हैं। अब उसको अगर कोई अपने अपने हिसाब से सोचे तो हम क्या कर सकते हैं। निश्चित तौर पर यह सफाई ओम प्रकाश राजभर की तरफ से आई है, लेकिन क्या सचमुच ये सफाई ही सच है या फिर कुछ पक रहा है? दरअसल संकेतों में बहुत सारी बातें हो रही हैं। एक दिन पहले उसी दिन इनफैक्ट जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ के मंडल के दौरे पर थे, समीक्षा बैठक के लिए गए, वाराणसी गए जहां पर उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, इधर लखनऊ में चार बीजेपी के कोर ग्रुप के मेंबर्स की मीटिंग हो गई जिसमें दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री। इस पर भी सवाल उठे कि आखिर मुख्यमंत्री जब नहीं है तब इस मीटिंग को करने का क्या मतलब, क्या आशय? तो ये भी निकला कि ये भी एक मैसेजिंग है। इस मीटिंग के जरिए भी कुछ न कुछ मैसेज भेजने की कोशिश हुई और मैसेज ये है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं। खैर, दोनों तरफ से फिलहाल मामले को ठंडा करने की कोशिश हो रही है और कुछ दिन पहले, जैसा मैंने बताया था पहले भी अपने वीडियो में, कि संघ की तरफ से एक गुमनाम, एक चुपचाप की एक कोशिश चल रही है कि बीजेपी के भीतर पनप रहे इस विवाद को किसी भी तरीके से ठंडा किया जाए, इसे किसी भी तरीके से रोका जाए, क्योंकि सिर्फ दो नेताओं का नहीं, दो प्रदेशों का नहीं, बल्कि बीजेपी का बड़ा नुकसान होगा और इससे आरएसएस और जो मातृ संगठन है उनके एजेंडे को भी नुकसान होगा। खैर, कोशिशें इस वक्त जारी हैं कि हर हाल में इस पूरे मामले को शांत किया जाए, लेकिन तस्वीरें हैं कि सामने आ रही हैं, चिट्ठियां हैं कि लीक हो रही हैं और मुलाकातों की तस्वीरें हों या फिर जनप्रतिनिधियों के बयान, ये फिलहाल इस पूरे मामले को ठंडा नहीं होने दे रहे। खैर, हमारी नजर इस खबर पर बनी रहेगी। अब अगली खबर। उत्तर प्रदेश में मुहर्रम के दौरान हुए हंगामे के बाद अब पुलिसिया कार्रवाई शुरू होने लगी। मुहर्रम के दौरान पहले तो बरेली में एक दूसरे समुदाय के घर पे पत्थरबाजी, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और उसके बाद जबरदस्त तरीके से हुई हिंसक में एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद करीब 35 लोगों पर FIR हुई और एक के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर भी चलाया, 35 लोगों को अरेस्ट भी किया गया। ये बरेली की घटना है। लेकिन दूसरी, अब आज कानपुर में एक FIR दर्ज हुई जिसमें मुहर्रम के दिन कानपुर के अलग अलग इलाकों में 3 आपत्तिजनक नारे लगे। एक पार्षद के घर के बाहर कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना होगा। दूसरा नारा यह भी लगा, सरतन से जुदा। सरतन से जुदा का जब नारा लगा तो बकायदा इसके वीडियो वायरल होने लगे और इन दोनों तीनों वायरल वीडियो को लेकर एक केस दर्ज हुआ है और आज इसमें 35 लोगों पर मामले दर्ज कर लिए गए। तो मुहर्रम के बाद हुई हिंसा के बाद कई जगहों पर अब पुलिसिया कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बरेली में ये देखने को मिली और अगला नंबर अब कानपुर का दिखाई देता है जहां पर बकायदा पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज किया है और अब इसमें कार्रवाई शुरू हो गई। यानी कि मुहर्रम को लेकर सरकार किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। अगर किसी ने आपत्तिजनक नारे लगाए हैं या फिर हिंसा की है, कानपुर के पुलिस का यह बयान सुन लीजिए। विगत दिनों सोशल मीडिया पर के माध्यम से एक वीडियो क्लिप प्राप्त हुआ था जो 16-17 जुलाई की मध्य रात्रि में निकलने वाली मुहर्रम के जुलूस से संबंधित था। इसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे थे। इस वीडियो क्लिप के प्राप्त हो जाने के बाद इसका परीक्षण किया गया। परीक्षण के उपरांत इसमें भारतीय न्याय संहिता और IT एक्ट के सुसंगत धाराओं में जो आयोजक हैं और जो 40-50 अज्ञात व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है
और इसमें जो विधि कार्रवाई है पुलिस के द्वारा की जा रही है। मशहूर यूट्यूबर एल्विस यादव आज ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां पर आज उनसे पूछताछ हुई। यूट्यूबर एल्विस यादव पर ईडी ने एल्विस यादव को बुलाया था और उन पर सांपों के जहर से लेकर तमाम मामले दर्ज हुए थे। एल्विस ने आज बताया कि चूंकि ईडी ने उसे बुलाया है इसलिए वो पूछताछ के लिए आ रहे हैं, लेकिन एल्विस ने खुद को पूरी तरीके से हर मामले में निर्दोष बताया है। लेकिन आपको जानकारी होगी कि कोबरा जहर कांड को लेकर एल्विस यादव पर पहले से ही कह सकते हैं कि पहले से ही उस पर कई आरोप लग चुके हैं और फिलहाल वो पुलिस के साथ साथ अब ईडी के शिकंजे में भी है। खैर, आज उसे पूछताछ हुई है, सुनिए क्या कहा है एल्विस यादव। सर आपने देखा नहीं था, मैं यूके में था, एक ही बार बुलाया ना एक बार। जो एलिगेशन है कि सांपों की तस्करी करते थे दूसरे कोर्ट में, मामला जी कोर्ट वाले बताए। अभी आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीजें अंदर आपको बुलाया गया है? मैं कैसे बताऊंगा, पहली बार आया हूँ, थोड़ा सा जगह दोगे तो मैं अंदर भी जाऊँगा। आप क्या कहना चाहेंगे, आप अपनी क्या बात रखना चाहेंगे? उधर साइड रख चुका मैं बात, ठीक है, बाकी वो बताएंगे आपको पता। तो ये था आज का यूपी, हम कल फिर हाजिर होंगे, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।